चैनल मेयर पहाड़। तो कैसे हैं सब, उम्मीद करते हैं सब सही होंगे। तो मैं संतोष भंडारी फ्रॉम मानला बिरखाल आया हूँ मेयर पहाड़ की एक नई झलक दिखाने इस वीडियो के साथ। तो चलो दिखाते हैं। सो गाइज, अभी मेरा प्लान बना है पलतरुबा जाने का। पलतरुबा में है एक मानला माता का मंदिर है, वहाँ तो मानला माता का मंदिर दिखाऊंगा तुम्हें। पलतरुबा जो है यहाँ से लगभग हमारे गाँव से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो बीच में जंगल का रास्ता भी पड़ता है। अभी तो मैं अपने गांव के ही सरहद में हूँ, तो बीच में जंगल पड़ेगा, उसके बाद आएगा पलतरुबा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आगे है ये है हमारा गांव, यहाँ से दिख रहा है कुछ मकान जो है यहाँ से दिख रहे हैं। तो उस तरफ जो है हमारा गांव है और ये है हमारी सार। अभी जो है मैं जंगल के रास्ते में आ गया हूँ, ज़्यादा नहीं है मतलब 500 मीटर करीब होगा, फिर उसके बाद फिर से सार लग जाएगी एक, तो और फिर मानला माता का मंदिर भी वहीं है, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे। और ये जो जंगल है यहाँ ज़्यादातर तुम्हें चीड़ी देखने को मिलता है, हमारे इधर तो लगभग चीड़ी है। तो ये अब हम पलतरुबा की सार में आ चुके हैं और जंगल ख़त्म हो गया है इस साइड में, नीचे को है थोड़ा सा तो। लेकिन अभी जो है यहाँ जितने भी खेत हैं यहाँ सब बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि आप कोई यहाँ खेती करता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े खेत जो हैं पूरे बंजर हो चुके हैं, और ये जो है पूरा जंगल बन चुका है, यहाँ पूरा चीड़ ही चीड़ हो गया है, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक पूरा चीड़ी हो गया, पूरा जंगल बन गया है। तो दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जब पहले से गांव में दवाइयों का विस्तार ज़्यादा नहीं था तो गांव में जो है लोग इसका यूज करते थे, जैसे हाथ पाँव में चोट आती थी या किसी के सर में चोट आती तो खून रोकने के लिए इसका यूज करते थे, तो इसे पीस के जो है चोट पर लगाया जाता था, तो जो है खून रुक जाता था और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता था। तो हमारे यहाँ इसे जो है पागल झाड़ कहते हैं, ये पूरे पागल झाड़ के बुजुर्ग हैं, कहीं से काला झाड़ भी कहते हैं। लेकिन आप जो है केमिकल का खाना इतना हो गया है कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये चीज़ें जो है और रिएक्शन कर सकती हैं, तो आप इसका ज़्यादातर यूज होता नहीं है। तो गाइज ये खेत देखो कितना लंबा है, इस छोर से लेकर उस छोर तक बहुत लंबा है। तो कभी इनमें बोरियों के हिसाब से धान गेहूं मंडुआ होता था, लेकिन आज देखो आज ये पूरा जो है बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा बंजर है। तो जहाँ तक क्रिकेट की बात है, पहाड़ी लड़कों को अगर कहीं भी बाज खेत मिल जाए ना बंजर खेत, तो वहाँ ये ऐसे पिच बना दें, देख रहो विकेट देखो। तो यहाँ भी हमने कई मैच खेले हुए हैं यहाँ भी, और यहाँ पर हम वॉलीबॉल भी खेलते थे पहले से यहाँ पे। लेकिन खतरा वॉलीबॉल के लिए पता है क्या रहता था, मैं यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें। तो जो वॉलीबॉल इस तरफ वॉलीबॉल या बॉल कोई भी इस तरफ आए तो सीधे नीचे खाई में, मतलब यहाँ से तो रुक नहीं पाती थी। तो मंदिर जो है मानला माता का मंदिर यहाँ इस साइड में आगे ही थोड़ा सा पड़ता है यहाँ से। लेकिन मंदिर जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें आगे। सो गाइस, जब हम पहले ग्वाला आते थे तो हमारे जो गाय बैल होते थे वो होते थे उस सार में उस साइड में, और हम आ जाते थे यहाँ यहाँ बैठने के लिए आ जाते थे हम। और यहाँ मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ तुम्हें, तो इन पत्थरों में जो है हम बैठते थे यहाँ पे,
और आराम से शाम तक जो है धूप सेकते थे। और यहाँ पे बैठ के हमारा एक ही काम होता था, या तो जो नीचे ग्वाला आदि आए रहते थे नैल से नैगांव से उनको आवाज देना, और या फिर एक लकड़ी पकड़ के बैंड बजाते रहना। तो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर दिखाते हैं तुम्हें। ये है मानला माता का मंदिर, और यहाँ पर जो है ये घंटा का आवाज है। और ये मंदिर जो है काफी प्राचीन मंदिर है, ये आप इसका पत्थर देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये काफी प्राचीन मंदिर है। तो पहले जो है इस माला माता के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता था, तो इस मंदिर की वजह से लोग आपस में कनेक्ट थे, क्योंकि हमारा गांव बिरखाल हो गया, यहाँ नीचे जखीड़ा हो गया, धनेटा हो गया, गरसारी हो गया, यहाँ नैर हो गया, नौगांव हो गया, तो ये सभी लोग जो है यहाँ आते थे मेले में, यहाँ जो है कीर्तन भजन होते थे, यहाँ तो बड़ी दूर दूर से जो है यहाँ लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, यहाँ दुकानें सस्ती थी। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि शायद लोग यकीन तक ना माने कि यहाँ कभी ऐसा भी हुआ होगा। तो जिस माला माता के मंदिर में लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ कीर्तन होते थे, भजन होते थे, उस मंदिर की हालत देखो, पूरा मंदिर जो है खंडहर बन चुका है, मंदिर नहीं रहा ही, अब ये हो गया है खंडहर पूरा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।